दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर का कहना है कि हमने एक्सेल शीट के अंदर कुछ डाटा पुट किया है, जैसे कि डिजिट। अगर हम डिजिट को कन्वर्ट करें वर्ड में तो कैसे करें, क्योंकि हम बार बार टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है यहाँ पर 8741। हम चाहते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लग जाए, ऑटोमेटिकली ये पूरे वर्ड लिख जाएं। अगर आप अंकों को शब्दों में लिखना चाहते हैं, यानी कि डिजिट को वर्ड में लिखना चाहते हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों ये एक टेक्निकल थोड़ा मेथड होगा, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम कुछ एक्सेल के कुछ बैकहेंड में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल ने मैन्युअली यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट करने की, यानी कि अंकों को शब्दों में करने का, है ना। तो हम यहाँ पर उस फंक्शन को इनेबल करेंगे, बस आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, ठीक। फाइल मैनेजर में जाना है, एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन फंक्शन, ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, एंड यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा कस्टमाइज रिबन, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स को फिल कर देना है, वो है डेवलपर, आपको यहाँ पर फिल करके एंड नीचे आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप करेंगे ओके प्रेस, आपका एक डेवलपर मेन्यू बार क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ सेटिंग करेंगे, बड़ी ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है ना। तो सिंपल से मैं डेवलपर क्लिक करता हूँ। डेवलपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लेफ्ट साइड विजुअल बेसिक, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा अगर विजुअल बेसिक पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको इंसर्ट मेनू बार, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर है मॉड्यूल, आपको मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है। मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे एक ब्लैंक पेज आएगा, तो आपको ब्लैंक पेज में एक कोड को डालना है। दोस्तों यहाँ पर मैं कोड आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये कोड को डाउनलोड कर लीजिए। तो सिंपल सा हम कोड पर जाते हैं, तो यहाँ पर ये कोड हमने डाउनलोड किया है, तो आपको भी लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। आपको कंट्रोल प्लस ए दबाकर इसे सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेविस का, तो यहाँ पर आपको डिफॉल्टेड एक्सेल वर्कबुक मिलेगा, आपको ये सिलेक्ट नहीं करना। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो डैश इनेबल वर्कबुक, आपको ये सिलेक्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अब जाता हूँ एक्सेल शीट के अंदर। दोस्तों कम्प्लीटली सेटिंग होने के बाद आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके अंदर आप डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपने जो डिजिट लिखी हैं, अंक लिखे हैं, आप उन्हें शब्दों में लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पर इक्वल दबाऊंगा, इक्वल दबाने के बाद स्पेल लिखूंगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली फंक्शन इनेबल हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल को सिलेक्ट करना है, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, यानी इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर 8741 अमाउंट आपका वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो शब्दों में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको थोड़ा ड्रैग कर लेना है, तो देखिए यहाँ पर ₹8741 ओनली, ठीक। अब दोस्तों आपको बार बार फॉर्मूला टाइप करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, अब आपको केवल ड्रैग कर देना है और जितने भी आपने डिजिट लिखे हैं वो सब ऑटोमेटिकली वर्ड में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए, है ना, ये देखिए सारे वर्ड हुए हैं। देखिए यहाँ पर ₹214 एंड यहाँ पर ₹12 ओनली, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो अमाउंट है हमारा वो वर्ड में कन्वर्ट हो गया। बस आपको थोड़ी सेटिंग करनी है, अगर आपको नहीं समझ आए तो इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन दूंगा, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी प्रकार के डिजिट को एक वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी अंकों को शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।